हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बढ़िया। तो मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्नैक्स, तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही इजी है बनाने में। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है राइस लिए, इनको मैंने जो है 2 आवर्स तक भिगो के रखा था। उसके बाद इसका पानी निकाल के इसको मैं अब अच्छे से ग्राइंड करूँगी। तो ये जो चावल मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे, अब मैं जा रही हूँ इनको ग्राइंड करने मिक्सी में। तो ये मैंने सारे राइस जो है जार में डाल दिए। अब इसमें डालूँगी मैं कुछ हरी मिर्च कट करके, इसको भी जो इसके साथ ग्राइंड कर लूँगी। साथ में ऐड करूँगी कुछ कटा हुआ प्याज। अब थोड़ा सा नमक डालूंगी। अब करने जा रही हूँ मैं, मैंने यहाँ बॉयल पोटैटो लिए हैं, इसको अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। मैंने जो पोटैटो पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। तो यहाँ पर जो मैंने 3-4 पोटैटो जो है अच्छे से क्रश कर लिए हैं। अब जो जो ये क्रश किए पोटैटो, इनको और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि और सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड कर दूँगी चावल का पेस्ट जो ग्राइंड करके रेडी किया था मैंने। अब इन दोनों को जो अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पोटैटो और चावल का पेस्ट। अब इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। इसमें मैंने कुछ लाल मिर्च ऐड की, थोड़ा नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले भी नमक ऐड किया हुआ है राइस में ग्राइंड करने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा ही नमक ऐड किया। अब ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा हरा धनिया। हरा धनिया मेरे पास कम ही था इस टाइम पे अवेलेबल, तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से जो है मेरे पास इसका एक डो रेडी हो चुका है। अब जो मैं हल्का सा ऑयल हाथ में लगा के इसका गोल गोल बनाऊंगी। आप चाहे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी शेप दे सकते हो। मैंने जो इसको इस तरह से किया, मैंने पहले ही जो है कढ़ाई में ऑयल रख लिया था गर्म करने को। अब मैं इनको फ्राई करूँगी इस तरह से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें किसी भी तरह की शेप दे सकते हो। और इनको जो है अच्छे से ब्राउन करना है। ये अब इस तरह से हल्का फूलना स्टार्ट हो चुकी है।
अब ये जो हमारे रेडी हो चुके हैं स्नैक्स, तो इसको मैं अपनी एक नैपकिन में रख लूँगी। अब साथ में बनाने जा रही हूँ मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैंने जो इमली को कुछ टाइम पहले भिगोने के लिए रख दिया था, अब मैं इसको छान रही हूँ छन्नी से। अब जो मैंने इसको छान के निकाल दिया इमली का पानी और इमली का पल्प कुछ इसमें मैंने मिक्स कर दिया था, उसमें ऐड कर दी हूँ मैं कुछ नमक। इसको अच्छे से मिक्स किया, मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। साथ में मैंने इसमें ऐड की था थोड़ी सी शक्कर ताकि खट्टी मीठी बने। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी ऐड किया और थोड़ा सा मैंने जो है काली मिर्च का पाउडर भी इसमें मिक्स कर दिया। मैंने इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हमारी रेडी हो गई है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो अब रेडी हो चुके हैं हमारे चावल से बने कुरकुरे स्नैक्स और साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो बने हैं बहुत ही टेस्टी। प्लीज़ आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए।